तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो एंड आज वापस से एक अनबॉक्सिंग वीडियो आ चुकी है जहां पे बजट रेंज की तरफ हम लोग अच्छी अच्छी चीजों के बारे में काफी ज्यादा सोचते हैं। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही कमाल की स्मार्ट वॉच ब्रांडेड कंपनी की कस्टमाइजेशन के साथ। वीडियो पूरी एंड तक देखना था कि आपको, हालांकि आप थंबनेल से समझ चुके हो कि अनबॉक्सिंग किस चीज की होने वाली है, बट जो फील है वो आगे वीडियो में ही आएगी। तो वीडियो एंड तक देखना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो आपको पता क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। पढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स अनबॉक्स बॉक्स, निकलते हैं अंदर देखते हैं, लेट्स सी अंदर क्या क्या देखने को मिलता है एंड इसके स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है एंड जिस प्राइस रेंज में ये आती है क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, रिव्यूज होंगे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, साथ ही कुछ सजेशन भी दे सकते हो ताकि अदर व्यूअर्स की हेल्प हो जाए, कुछ छूट जाए तो बता देना, गाली मत देना। सो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स, देखते हैं अंदर क्या क्या निकलता है, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स ये जो प्रोडक्ट है वो है फॉसिल की स्मार्ट वॉच है, ये जनरेशन 4 एंड इसके अंदर हमें अरमानी का कस्टमाइजेशन, अरमानी एक्सचेंज कनेक्टेड का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। सो फटाफट से बॉक्स के आउटर्स की तरफ देख लेते हैं। हालांकि ये जो है वो फॉसिल का कवरिंग पैकेज है, इसके अंदर जो है ओरिजिनल डब्बा है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ। तो वीडियो पूरी एंड तक देखते रहो, लेट्स बिगिन। आउटर की तरफ एक नजर मार लेते हैं, जो आगे की तरफ बस खाली जानकारी दी हुई है क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो कुछ अजी अच्छी अच्छी सी जानकारी देखने को मिल जाती है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिल जाएगी अगर आपको ये की ये वॉच बाई करनी है, खरीदनी है। प्राइस जो है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, एंड तक देखते रहना। एंड अगर ये की वॉच खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मेरे पास और कोई फर्दर सोर्सेज होंगे, जैसे मैं 5 बोल्ट के सोर्सेज देता हूँ तो वैसे आपको और भी सोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन एंड बताता हूँ कि इसके स्पीचर्स कैसे, किसके साथ कनेक्ट होती है, कैसे होती है, सबके सब गाइड्स मिलने वाले आपको। तो सबसे पहले बॉक्स के आउटर्स की तरफ देख लेते हैं। सो सिर्फ आगे कुछ ज्ञान की बातें दी हुई है जहाँ पे इसकी प्राइस, मॉडल नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिए हुए हैं। एंड अंदर बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। सो इसके बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं। इधर फॉसिल ग्रुप की टेप लगी जो मैंने निकाल दी, इस बॉक्स को पूरा टेस्ट कर चुके हैं, सो विल हैंडल इट विद केयर। सो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो ऊपर हमें एक्सचेंज कनेक्टेड देखने को मिल जाता है एंड अंदर वेयर ओएस बाय गूगल लिखा हुआ है। सो वॉच की स्पेसिफिकेशंस ऊपर से ही दिख रही है। सो सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं एंड शानदार सा बॉक्स देखने को मिल गया, इसको रखते हैं साइड में। फाइनली ये है हमारा प्यारा सा प्रोडक्ट। सो इधर हमें आउटर्स में कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल जाती है, जहाँ पे यहाँ पे कनेक्टेड विथ आईफोन कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड फोन्स, टच स्क्रीन स्मार्टफोन लिखी हुई है। इधर अरमानी का इस वॉच का आउटलुक बना हुआ है। साइड की तरफ पूरा का पूरा प्लेन है, कुछ नहीं, ये बॉक्स अच्छा, ये कवरिंग है एंड आगे की तरफ एक्सचेंज कनेक्टेड एंड वेयर ओएस लिखा हुआ है। पीछे की तरफ सेम टू सेम है एंड इधर कुछ फर्दर डिटेल्स दी हुई है अलग अलग भाषाओं में एंड ये कुछ प्राइवेसी डिटेल्स है। सो इधर वॉच की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दी हुई है, सो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो एंड iOS 9.3 प्लस में ये सपोर्टेड है एंड एंड्रॉयड के अंदर 4.4 से प्लस जो एंड्रॉयड वर्जन है उसमें ये सपोर्टेड है। इसमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से इस बॉक्स को निकाला जाता है, तो इसको निकालेंगे, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। फ्रेंड्स ये है फाइनली हमारी वॉच, इसको करते हैं ओपन, एक्सचेंज कनेक्टेड देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा सही लगता है एंड बॉक्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। फटाफट से इसको करते हैं ओपन। सो सबसे ऊपर हमें हमारी वॉच देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से एंड निकालते हैं चलो इसको बाहर। सबसे पहले हम अपनी वॉच को निकालेंगे बाहर। सो ओके, सो यहाँ पे एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके की, इसको भी पीछे कुछ नोट किया हुआ है। 5 वॉट से कम के उसमें पोर्ट, आउटपुट वाले एडेप्टर में पोर्ट करना है ताकि ये खराब ना हो, इसको एक बार के लिए रखते हैं। इधर कुछ इस टाइप का चार्जर देखने को मिल जाता है, इधर से USB टाइप ए का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड आगे की साइड से वायरलेस चार्जर है एंड कुछ इस तरीके का चार्जर है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट चार्जर है, बट इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं चलती, मैं अभी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। कुछ इस टाइप का चार्जर देखने को मिल जाता है, इसको रखते हैं हम लोग एक बार के लिए साइड में। सो ये आई गेस कुछ, हाँ, फॉसिल का वारंटी कार्ड है, सो कुछ आपको अपनी वारंटी इस पर रजिस्टर करनी पड़ती है। अंदर कुछ पुस्तकें एंड ज्ञान की बातें ही देखने को मिलेंगी। सो ये एक गाइड है, हाँ, ये पढ़नी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ वॉच एंड ईयरबड्स के मामले में गाइड्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वरना मामला गड़बड़ हो जाता है।
मोटी किताब देखने को मिल गई है जिसका हमें कुछ भी काम नहीं है, बट आपको अगर वारंटी डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ने हैं तो अलग अलग भाषाओं में काफी सारी लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस ये है फाइनली हमारी वॉच, कुछ इस तरीके से पैक्ड हुई हुई आती है। इसके आउटर्स की तरफ बात कर ले सो कुछ इस तरीके का इसका फिनिशिंग आता है। ये एक लेदरी स्ट्रैप है एंड इधर कुछ गोल्ड की फिनिशिंग की हुई है, मतलब गोल्ड पेंटेड है। इधर लिखा हुआ है अरमानी एक्सचेंज का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा एंड सेम एज आपको इधर इसके रिस्ट लॉक पे भी देखने को मिल जाता है। सो वॉच के आउटर्स की तरफ बात करें सो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिल जाती है। मैं इसको पूरा सेटअप कर चुका हूँ। फ्रंट से देखें तो वॉच के आउटर्स में हमें एक ये सर्कुलर पाथ देखने को मिल जाता है, ये रोटेट नहीं होता है बट ये फुल्ली ऑटोमेटिक एंड टच स्क्रीन वॉच है। एंड इस साइड की तरफ बात करें तो दो बटन्स देखने को मिल जाते हैं। ये दो बटन्स का फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक है तो ये आगे वीडियो में बात करेंगे। ये एक डायरल है जो रोटेट हो जाता है जिससे हम काफ़ी सारे कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इधर अरमानी एक्सचेंज का वापस से ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ बहुत सारे मॉनिटर्स देखने को आपको मिल जाएंगे, मेड इन चाइना लिखा हुआ है ओके एंड AXT2005 मॉडल नंबर दिया हुआ है DW6A1। इधर सेंटर में आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, इधर ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर देखने को मिल जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन नहीं बोल सकते बट आपकी हेल्थ डेटा को मेजर करने के लिए पल्स रेट टाइप में बहुत अच्छा मॉनिटर दिया हुआ है। इधर स्वेट प्रूफ एंड कंट्रोल्स का सिस्टम कुछ तो दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा एक मैट फिनिश में देखने को मिलता है आपको, पूरा का पूरा इधर मैट फिनिश आता है। सो पीछे की साइड पे खराब होने का ज़्यादा डर नहीं रहेगा। बाकी ये जो स्ट्रैप है ये रिमूवेबल है, आप इसमें दूसरी स्ट्रैप्स भी अटैच कर सकते हो। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर लगा मुझे इसका एंड कुछ इस टाइप का आपको इसको डायलर पाथ देखने को मिल जाएगा। सो अब इस वॉच को पेयर करने का काफ़ी ज़्यादा सही सिस्टम है। सबसे पहले आपको ये वेयर ओएस करके एक ऐप आता है प्ले स्टोर पर, इसकी लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे मिल जाएगी, इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेना। एंड अब आपकी वॉच को आपको इस ऐप के थ्रू पेयर करना है। फटाफट इस ऐप को ओपन कीजिए एंड जैसे ही आप इसके स्टेप्स को कंप्लीट करोगे सो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे इस वॉच को कनेक्ट करने के और काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉच फेसेस, नोटिफिकेशंस के बारे में, नोटिफिकेशन चेंज करने के बारे में, साइलेंस मोड पर डालने के बारे में एंड गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि वॉच के अंदर और भी काफ़ी सारे सपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस अब इस वॉच को मैंने पूरा पेयर कर लिया है एंड आई सब मैंने बोला कि इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको प्ले स्टोर, एजेंडा, गूगल्स के सारे जितने भी इसमें ऐप्स होते हैं उन सबका आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट एंड सब यूज़ कर सकते हो, गूगल पे भी यूज़ कर सकते हो, सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ये कंट्रोल सेंटर खुल जाएगा जिसमें आप फ्लाइट मोड, फ्लैश लाइट, डू नॉट डिस्टर्ब और काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स यूज़ कर सकते हो। साइड की साइड में आप जाओगे तो ये गूगल असिस्टेंट्स देखने को मिल जाएगा आपको, जो आपको हेल्प आउट कर देता है काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर। सो इसको नीचे करोगे तो ये काफ़ी सारे काम आपके कर देगा। इसको और भी साइड में करेंगे तो इसको आप प्रेस करके रखो और ये एक जेस्चर देखने को मिल जाता है जहाँ पे क्लिक करते हो तो ये रोटेट करता है। और भी काफ़ी सारे अमेजिंग वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे। सो ये साइड में अलग अलग टाइप के वॉच फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें अरमानी के सारे कस्टमाइजेशन है। हालांकि आप इसको कस्टमाइज खुद भी कर सकते हो, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसमें आपको एडिट के लिए देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे इसमें वेकअप अलार्म के बारे में देखने को मिल गया है। नीचे करेंगे तो इंडेक्स कलर, डायल कलर, ये सब आप चेंज कर सकते हो। साइड में स्क्रॉल आउट करते हो सो गूगल फिट देखने को मिल जाता है और वेदर के रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं एंड इवेंट्स एंड कैलेंडर्स और भी आप इसमें ऐडअप कर सकते हो। सो कुछ इस टाइप की है ये वॉच, इसमें कॉल रिसीव कर सकते हो और इसके जो हार्ट रेट सेंसर्स हैं ऑन ऑफ मतलब टाइमिंग है, स्क्रीन लॉक इसमें लगा सकते हो, जैसे कि आप इसको प्रेस करते हो एंड ये अब आपके सामने लग जाता है एक स्क्रीन लॉक जो कि पिन पैटर्न में और डायल पैड भी काफ़ी ज़्यादा सही है और ये हो जाती है फटाफट से अनलॉक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और काफ़ी अच्छे एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है एंड जैसे ही आप इसको अपनी व्रिस्ट पे पहनोगे सो ये अनलॉक है तो अनलॉक ही रहेगी, जैसे ही आप व्रिस्ट से उतारोगे तो ये है वापस से ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, जो प्रिवेसी के मामले में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एंड सेकेंडली बात करें सो इसका हार्ट रेट मॉनिटर है वो एक्यूरेसी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि इसमें मैंने 2 दिन टेस्टिंग करके देखी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा सही है एंड वॉच के लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो वॉच को रखते हैं एक बार के लिए साइड में एंड बात करें मोबाइल फीचर्स के बारे में तो इसके ऐप से आप ज़्यादा कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद कुछ इस तरीके ऑलवेज स्क्रीन ऑन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसके अलावा इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड सबसे
अलग चीज़, ये एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा ईजीली कनेक्ट हो जाता है, आईफोन में थोड़ा सा झंझट रहता है। बाकी इसमें कुछ इस टाइप के आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा वेयर हो इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये है कहानी कुछ इसी अरमानी के एक्सचेंज फॉसिल ब्रांडेड वॉच की। अब इसके अंदर कुछ आउटर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको NFC के सपोर्ट के बारे में देखने को मिल जाएगा, जिससे आप टच पेमेंट्स कर सकते हो, इसमें गूगल पे आपके कार्ड के थ्रू एंड हो सके तो शायद तक सैमसंग पे एंड ऑल भी आप इसमें यूज़ आउट कर सकते हो। बाकी इसमें एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है, जब मैंने इसको एक एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की जो कि है ये वन प्लस का नॉर्ड, इससे ही काफ़ी ज़्यादा ईजीली कनेक्ट हो गया। हालांकि आईफोन iOS में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कनेक्ट होने में, थोड़ा सा इस आपको रिसर्च आउट करना पड़ता। आईफोन में इतना ईजिली कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये एंड्रॉयड वॉच है, तो एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा ईजिली कनेक्ट हो जाती है। बाकी रिस्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसका, एंड फीचर्स वाइज भी काफ़ी ज़्यादा सही है। जहाँ पर इसके ये जो तीन बटन्स आपको देखने को मिलता है, इसमें से ये सेंटर वाला बटन सारे के सारे कमांड्स को एक्सेस करता है और ऊपर वाले बटन्स खाली वॉल्यूम अप एंड डाउन या कोई स्पेसिफिक ऐप को सिलेक्ट करने का काम करते हैं। बट इसके अंदर आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। एंड आप अपने मोबाइल से इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो अलग अलग वॉच फेसेस के अंदर, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। एंड फाइनली वॉच की प्राइस की तरफ आते हैं। ये पड़ती है आपको कुछ 12,000 रुपीज़ में। करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये 12,000 की है। एंड आपको अगर परचेज करनी है तो नीचे आपको लिंक्स मिल जाएगी, उधर आप परचेज कर सकते हो। मिंत्रा की, अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की, तीनों की दे दूंगा, आप टॉप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ या अपलोड हो रही होगी तब इसकी एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च आउट किया है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड जो ये मेरे पास वेरियंट, ये कुछ 12,000 रुपीज़ का है करंटली इंडिया में। अब फाइनली इस वॉच के कंक्लूजन पे आते हैं। वॉच मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी, रिव्यू के बारे में बात करें 12,000 रुपीज़ में इतनी हाई ब्रांडेड वॉच अरमानी के ब्रांडिंग के साथ, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। क्योंकि ये एक स्मार्ट वॉच इतने सारे फीचर्स के साथ कभी भी इतने लो प्राइस में आज तक नहीं देखने को मिली है। हालांकि जो जेब्रॉनिक्स एंड अदर कंपनीज की जो वॉचेज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे फीचर्स के साथ आती है, बट जो प्रीमियम लुक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगती है। एंड दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो वॉच के अंदर आपको गूगल पे का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC पेमेंट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, NFC शेयरिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड फीचर्स देखने को मिलता है इसके अंदर, एंड फुल्ली अपडेटेड एंड्रॉयड OS वर्जन है, मतलब एंड्रॉयड का सबसे अपडेटेड वर्जन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वॉच की स्पेसिफिकेशन में सबसे टॉप नंबर पर आती है। एंड बाकी इसके जो लुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा सही है, जो हेल्थ डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। मैंने इसको कंपेयर किया मेरे फ़ोन से, मेरी वॉच से, सैमसंग की गैलेक्सी वॉच 2 है, आईफोन से मैंने इसको कंपेयर करके देखा, उस जो हेल्थ का डेटा है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। वॉच वर्थ इट है। अगर किसी को आपको इंटरेस्ट हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो, उधर से आप बाय आउट इसको कर सकते हो। टिल देन गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ अमेजिंग से वीडियो के साथ, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट देखने को मिल जाएगा। एंड आपको वॉच के रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ अमेजिंग वॉच की अनबॉक्सिंग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।